गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं के हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। यहाँ पर पक्षी जो हैं वो पिंजरे में बंद होने के बाद कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन का होता है आज़ाद, जो आसमान है खुला है उसमें उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह सकते, ना ही खुशी से चहचहा सकते हैं। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का अर्थ है पिंजरे की जो तीलियां हैं सोने से बनी हुई, उनसे टकराकर हमारे, पुलकित का अर्थ है खिले हुए, जो है वाले मर जाएंगे। जल पीने वाले हैं मर जाएंगे। हम इस पिंजरे में बंद रह मर जाएंगे। कहीं भली है गोरी कनक कटोरी मैदा, पक्षी सोने की से बहुत ज्यादा के पेड़ पर अगने वाला फल होती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में का अर्थ है सोने के बनी पिंजरे की श्रृंखलाएं हैं उसके बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपने उड़ने की जो गति है उसको भी भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनुगी पर के झूले। तरु का अर्थ होता है पेड़ और यहाँ पर फनुगी का अर्थ है कोमल पत्ते, उस पर झूलना भी हम ये सिर्फ अपने सपनों में ही देख पाते हैं। अब नीचे हमारे इस कविता के शब्दार्थ आते हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता